तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने नीचे वाले घर से ऊपर वाले घर के लिए। तो कुछ इस तरह से है बर्फ़ का नज़ारा, और आपको दिखाते रहेंगे रास्ते में किस तरह की बर्फ़ गिरी है। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद। चैनल तो दोस्तों अभी ताज़ा बर्फबारी गिरी है, तो सुबह के हो चुके हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ अपने ऊपर वाले घर को। तो मैंने अभी आधा रास्ता तो नहीं कह सकते इसे तय किया है, तो बर्फ यहाँ पर लगभग 6 इंच के करीब पड़ चुकी है और ये है चारों साइड का नज़ारा। ये है नज़ारा दोस्तों थाची वैली ऑफ गॉड का, देखिए आप। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा है चंडीगढ़ से वैली ऑफ गॉड का। चारों साइड सफेद चादर उड़े हुए हिमालय। ये है आपका 13 माघ, मतलब है 26 जनवरी का नज़ारा। तो अभी मुझे चलना है घर की तरफ। इस तरह का नज़ारा है वैली ऑफ गॉड में, कुछ इस तरह का नज़ारा है वैली ऑफ गॉड का, बादलों के ऊपर वैली ऑफ गॉड। हो सेवेरा पगी चढ़ू बण केळो रलाणा बावळी झोरी ए बण केळो रलाणा। हो अपना हिमाचल हरा भरा बनाना बावळी झोरी ए हरा भरा बनाना। तो दोस्तों कुछ इस तरह का मज़ा है थाची वैली ऑफ गॉड में। कुछ चारों साइड आपकी बर्फ की जो चादर है उसे सफ़ेद हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये है इस साल की दूसरी बर्फबारी वैली ऑफ गॉड में, तो दिखाते हैं आपको दोस्तों कुछ देर बाद और भी बहुत बढ़िया नज़ारा। तो दोस्तों ये है वैली ऑफ गॉड, थाची वैली ऑफ गॉड, थाची के महाराज श्री लक्ष्मीपति नारायण जी का मंदिर। तो मैं आया था ऐसे ही घर से यार घूमने के लिए यहाँ थाची तक, मंदिर तक देव के। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है थाची में। अभी ताज़ा स्नोफॉल गिरी है आज के ही दिन, मतलब लगभग 1 फीट के करीब। ये चारों साइड का देवदार का मंदिर, ये देवदार के पेड़, मंदिर सॉरी मंदिर तो यही है। देखिए आप, ये आपकी कुछ इस तरह का नज़ारा है वैली का प्रभु जी के वहाँ। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है वैली ऑफ गॉड में आज। ये तो पूरे इलाके के महाराज प्रभु जी श्री लक्ष्मीपति नारायण जी। ये हमारा गीता भवन और ये आपके चारों साइड के देवदार के पेड़। जय हो।